तो ट्रिपल तलाक बिल आज लोकसभा में होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का आज दिल्ली में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हुआ। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के घर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई मंत्री और सांसदों ने हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, प्रहलाद सिंह सहित बीजेपी के कई सांसद भी इस कार्यक्रम में नजर आए। 1928 से चली आ रही गुरु दक्षिणा की परंपरा में सैकड़ों लोग संघ के लिए गुप्त दान करते हैं। यह संघ का वार्षिक कार्यक्रम है। हम सभी स्वयं सेवक हैं। मैंने राष्ट्रवाद का पहला पाठ तभी पढ़ा था जब मैं तीसरी कक्षा में पटना के कदम कुआं शाखा में बाल स्वयं सेवक बना था। और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, यही संघ ने हमें सिखाया है और ये हमारा बहुत बड़ा संबल है। सेवा के भाव में कैसा उद्बुद्ध रहना है और त्याग के भाव, हमारा जो सनातन परंपरा इसके विषय में इनका कार्यक्रम है। इस प्रकार के मिलन होते रहते हैं, छह महीने में, साल में, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो मिलन का कार्यक्रम है, उसमें माने कृष्ण गोपाल जी का बौद्धिक हुआ है। बौद्धिक के माध्यम से जो भारत की संस्कृति है, राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो, भारत 130 करोड़ लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़े, देश हमारा ये मानसिकता रही है, राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हों। संघ का यही काम है, केवल व्यक्ति निर्माण का काम संघ करता है। तो व्यक्ति निर्माण के कार्यक्रम है, समय समय पर स्वयंसेवक इकट्ठे होते हैं, मिलन का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में कब होगा? नहीं, होता रहता है, क्योंकि अपना विचार ही सब कुछ है। नए लोग आते हैं पार्टी में और विचार ऐसी चीजें को बार बार सुनना पड़ता है, अच्छी चीज को बार बार सुनना, अच्छी चीज को बार बार बोलना, ये परंपरा में है। इतना काम नहीं है, परंतु फिर भी एक अच्छा मार्गदर्शन हुआ। हमारे अपने सांस्कृतिक गौरव, हमारे अपने प्रतिमान, राष्ट्रीय हमारे उद्देश्य, उसकी पूर्ति करने के लिए हम अपनी पूरी योग्यता के साथ काम करें और देश के सम्मान के लिए, देश के परम वैभव के लिए जो जो भी उपाय हमको करना है, वो ऐतिहासिक संदर्भों से आगे बढ़ने का काम मार्गदर्शन।